लैलतुल क़द्र अपने दामन में इतनी रहमतें रखती हैं कि इस उम्मत के सारे गुनाहगारों की बख्शिश के लिए काफ़ी है। इस रात में रूहुल अमी उतरते हैं फरिश्तों के जलों में झुरमट में, और अहले ईमान जो क़याम में होते हैं, क़ुऊद में होते हैं, ज़िक्र इलाही में होते हैं, उनसे मुसाफ़हा करते हैं। ये रात कौन सी है? तुर्की खेमे में चटाई एक समत करके सरयनवर हुजूर ने बाहर निकाला और फरमाया कि लैलतुल क़द्र को आखिरी अशरे में तलाश करो। एक रिवायत के लफ्ज़ ये हैं कि आखिरी अशरे की ताक रातों में तलाश करो। वो ताक रात कौन सी है? उसको मख्फी रखा गया। हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हो सहाबी रसूल हैं, फरमाते हैं मैं कसम खाता हूँ कि वो रात 27वीं शब है। हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैह रहमा फरमाते हैं मुझे ज़िंदगी में ये रात दो बार मिली है और दोनों बार 27वीं शब ही थी। तो हम अल्लाह की बारगाह में उम्मीद का दामन फैलाए हैं कि यही शब हो और इसके दामन से फूटती ज़ियाएँ हमारे अंदर के अंधेरों को ख़त्म करने का ज़रिया बने। ये रातें आती हैं और चली जाती हैं, और एक वक्त आएगा कि ये रातें आएंगी और हम नहीं होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पिछले साल थे लेकिन आज नहीं हैं, उनसे गुज़श्ता सालों में थे आज नहीं हैं। तो ये जो मुयस्सर रातें हैं इनके दामन से फूटती ज़ियाएँ हमें अपने अंदर समो लेनी चाहिए कि हम दुनिया पे ना भी होंगे तो यहाँ से जो हमने नूर लिया होगा वो कब्र में भी चरागान करें। बातिन की रोशनी, अंदर के उजाले और रूह का चरागां इस रात के दामन से लिया जा सकता है। हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में कसरत के साथ इबादत करते थे। हज़रत सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुजूर कमर बस्ता हो जाते और अपना तह बंद कस के बांध लेते, ख़ुद भी जागते और अहले खाना को भी बेदार रखते। ये एक रात हज़ार महीने की इबादतों से अफजल, बेहतर और भारी है। तो इस उम्मत को जब इतना नवाजा गया है कि एक एक रात इतनी बरकतों की हामिल अता हुई है, तो फिर हमें बहुत ज़्यादा कोशिश करके बरकतें समेट लेनी चाहिए ताकि जब हम इस दुनिया से जाएं तो हमारे पास एक बहुत बड़ा रोशनियों का ज़खीरा हो जो हमारी कब्र में भी चरागन करे, हशर में भी रोशनी दे और हमें कहीं भी अंधेरों का सामना न करना पड़े, क्योंकि रोशनियाँ तो हमने यहाँ से लेके जानी हैं। तो मैं अल्लाह की बारगाह में आप सब के लिए दुआगू हूँ, आप मेरे लिए दुआगू रहें कि इस शबे नूर की बरकतें हमें नसीब हों। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उस नसीब हों। हुजूर ने इरशाद फरमाया जिसने लैलतुल क़द्र में क़याम किया ईमान और मुहासबा नफ्स के साथ, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मुझे फिर क्या दुआ मांगना चाहिए? तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर तुम लैलतुल क़द्र पालो तो ये दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ करने को पसंद करता है, मेरे मामलात से दरगुज़र फरमा।
तो अल्लाह ताला इस रात की बरकतों से हमें अपनी पनाह में, अमान में, हिफाजतों के हिसार में रखे। सल्लल्लाहु